अच्छा, तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली बैच 34th के आर स्टूडियो ओपन कर लें, और आर स्टूडियो ओपन करने के बाद आप चैट में डन टाइप कर दें। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है व्हाट आर पैकेजेस, और दूसरा ऑप्शन है, दूसरा है हाउ टू इंपोर्ट। एक्सेल फाइल इन आर, ये दो क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। पैकेजेस क्या होते हैं और एक्सेल की फाइल को हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, पैकेजेस को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, पैकेजेस और इनको एक्टिवेट कैसे किया जाता है, इन चार क्वेश्चंस के आंसर आज हम सीखेंगे। पैकेजेस हैं क्या, इंस्टॉल कैसे करते हैं, एक्टिवेट कैसे करते हैं, और फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं। सॉरी, ओके, अब ठीक है आवाज़, काइंडली चेक कीजिएगा। शहजादा अहमद साहब, काइंडली बताइएगा अब आवाज़ ठीक आ रही है मेरी। सर ओके सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पैकेजेस क्या हैं, इस पे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल के साथ क्लियर करूँगा। दोबारा आज हम बायोलॉजी की लैब में आ जाते हैं, और बायोलॉजी से रिलेटेड जहाँ पे हमारे पास थे, ओके नज़ीर असलम साहब हैं। सर, मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है। यस सर, आवाज़ क्लियर है? सर, जी सर, आवाज थोड़ी कम अब ठीक है कि अभी भी कम आ रही है? अब तो मैंने माइक जो है आ रही है बिल्कुल, लेकिन आ रही है, अभी भी कम आ रही है। आप देखें फिर, आपके पास जो है ना वो वॉल्यूम कम ना हुआ हो। मैंने सर चेक किया है, बेहतर है, पहले थोड़ी ठीक, अब कदरे बेहतर होगी। अच्छा, चलें ठीक है। अच्छा, पैकेजेस क्या होते हैं, हम इस पे डिस्कस करते हैं। जी, तो ये छोटी सी एग्जांपल अगेन, क्योंकि मैक्सिमम कुछ लोग जो हैं वो उनको तो समझ आ जाएगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो BS MS MPhil में हैं, उनके लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा। तो मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से ये आपको समझाने की कोशिश करता हूँ पैकेजेस के बारे में। जी फ़र्ज़ करते हैं कि ये बैठे हुए हैं नज़ीर साहब, और साथ इनके बैठे हुए हैं सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र साहब, ठीक है, अब ये आमने सामने बैठे हुए हैं, तो आज फ़र्ज़ करें आज इनका दूसरा दिन है। कल इनके सुपरवाइज़र ने इनको एक काम दिया था, वो क्या था सर, कि आपने केबन नंबर 34 को पे कब्ज़ा कर लेना है। केबन नंबर 34 में अपनी सारी चीज़ें उठा के रख देनी है। आपके पास जो रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें थी, आपने आर की एक फ़ाइल क्रिएट की, अच्छा यहाँ पे, सॉरी, कल हमने जो टास्क दिया था वो ये था कि आपने केबन नंबर 34 पे कब्ज़ा करना है, उसके ऊपर उसमें जो है वो अपनी सारी रिसर्च के रिलेटेड चीज़ें उसमें आपने रख देनी है। तो वो हमने क्रिएट कर ली थी, ये देखें आपके पास भी ये क्रिएट हुआ होगा, और ये देखें यहाँ पे मेरे पास बैच नंबर 34 शो हो रहा है। ये देखें, इसमें जो चीज़ें थी बेसिक वो हमने इसमें रख दी हैं। अब अभी तमाम पार्टिसिपेंट ये एक चीज़ कंफर्म कर लें कि आपके पास आर जो ओपन है वहाँ पे बैच नंबर 33 शो हो रहा है, 34 शो हो रहा है, या कोई भी नहीं शो हो रहा। मेरे पास यहाँ पे 33 शो हो रहा है, क्योंकि मैं अभी प्रीवियस बैचेस पे था तो मैंने वो ओपन किया हुआ था। मैं इसको, आप लोग यहाँ से कंफर्म कर लें पहले कि आपके पास बैच नंबर 33 या 34 जो आपने क्रिएट किया था वो ओपन है। अगर नहीं ओपन
तो आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी, यहाँ से बैच नंबर 34 सेलेक्ट कर लें और सेव कर लें। ओके, अब देखिए मेरे पास बैच नंबर 34 शो हो रहा है। अच्छा, अब अच्छा यहाँ पे अब हमने एक टास्क को कंप्लीट कर लिया, नज़ीर साहब ने कल वाला आज का इनको टास्क मिला है, ये अपने सुपरवाइज़र के पास आए हैं। इनके सुपरवाइज़र के पास ना एक बीकर है और बीकर में कोई ना सोल्यूशन है। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप ये बीकर पड़ा हुआ है लैब में जाएं और इसमें ना आयरन की कंसंट्रेशन फाइंड करके लाएं। इस सैंपल में आयरन की कंसंट्रेशन फाइंड करके लाएं। नज़ीर साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, हाँ, जब अब आपको ये टास्क मिल गया कि आयरन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है और आपके पास चार लैब्स हैं, लैब नंबर वन जिसमें मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये जो स्क्रीन नंबर वन है ना, मैं इसको कह रहा हूँ लैब नंबर वन, ये जो नीचे है लैब नंबर टू, ये है लैब नंबर थ्री और ये लास्ट है लैब नंबर फोर, यानी आपके डिपार्टमेंट में चार लैब्स हैं। आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आयरन की कंसंट्रेशन फाइंड करके लाएं, बस इतना उन्होंने कहा आपसे। आप जाते हैं लैब में, अब वहाँ पे गए, अब आपको समझ ही नहीं आ रही कि मैंने इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ करना है ना, ये तो आपको पता होगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट से आयरन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, तो फिर ही आप करेंगे ना। हाँ, अब आप वापस आते हैं अपने सुपरवाइज़र के पास, उनसे पूछते हैं सर आयरन की कंसंट्रेशन के लिए मैं लैब में गया हूँ, वहाँ पर तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, तो मैंने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। ठीक है, अब आपके सुपरवाइज़र आपको कहते हैं कि आपने एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करना है। ठीक है, अब दूसरा टास्क क्या होगा आपके लिए? एक क्वेश्चन आपने पूछा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, ठीक है, यानी ये क्वेश्चन, ये नोट रखना है, ये मैं अभी आपको आर से रिलेट करूँगा ये सारी चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा यूज़ होगा, ये उर्दू में मैं टाइप कर रहा हूँ। आपके सुपरवाइज़र ने आपको आंसर दिया कि एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब आप लैब में चले गए, जी अब आपका दूसरा काम क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट को ढूंढना कि ये कहाँ पड़ा हुआ है। अब सर, आपके यस पास चार लैब्स हैं, आप चारों सर, लैब्स में जाते हैं, ये मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ, फिर आपको आर की तरफ मैं लेके आऊँगा, तो आपको बहुत जल्दी पिक हो जाएगा कि ये पैकेजेस क्या हैं। ठीक अच्छा आर, अब आप स्क्रीन नंबर वन पे यानी लैब नंबर वन में गए हैं, वहाँ पे आपने देखा कि आपको कहीं भी एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नहीं मिला। लैब नंबर टू में आए है। हैं, वहाँ पे भी नहीं मिला। लैब नंबर थ्री में आए हैं, वहाँ पे भी नहीं मिला। लैब नंबर फोर में गए हैं, वहाँ पे भी नहीं मिला आपको। आप वापस आते हैं अपने सुपरवाइज़र के पास, आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप ऐसा करें, आप लैब अटेंडेंट को ढूंढें। अब चूंकि आपका फर्स्ट डे है यूनिवर्सिटी में, आपको नहीं पता लैब के अंदर क्या है, अब आप पूछते हैं सर लैब अटेंडेंट का रूम कौन सा है, तो कहते हैं स्क्रीन नंबर फोर जो है ना, लैब नंबर फोर, लैब नंबर फोर जो है वो लैब अटेंडेंट का रूम है। आप वहाँ पर जाएँ और लैब अटेंडेंट के रजिस्टर के ऊपर आप ढूंढें कि क्या हमारी लैब में एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है भी या नहीं है, क्योंकि आपने चारों लैब्स देखी वहाँ पे नहीं मिला, तो पहले पता तो करो क्या हमारे लैब में है या नहीं है। आप आते हैं लैब नंबर फोर पे, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास जो स्क्रीन नंबर फोर शो हो रही है ना, ये लैब नंबर फोर है। आप लैब नंबर फोर में आ गए, अब यहाँ पे आपने ढूंढा जी लैब अटेंडेंट को, ये फॉर एग्जांपल ये पैकेजेस है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक सर्च बार शो हो रही है, ये जो सर्च बार है ना, फ़र्ज़ कर रहे हैं ये रजिस्टर्ड है लैब अटेंडेंट का, यहाँ पीसी है लैब अटेंडेंट का, यहाँ पे हमने सर्च कर लेना है। मैं एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन लिखता हूँ, एटॉमिक, इसका मतलब मैंने एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन लिखा तो यहाँ पे तो उससे नाम से कोई चीज़ नहीं है, नहीं इसका मतलब है कि हमारी पूरी लैब के अंदर एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ही नहीं। यस अब वापस गए अपने सुपरवाइज़र के पास, तीसरा चक्कर अब, ठीक है,
पहले चक्कर में आपने क्वेश्चन पूछा कि पैकेज कौन सा यूज़ होगा, दूसरे बिल्कुल में आपने कहा जी मुझे जो है वो पैकेज मिल ही नहीं रहा, मुझे इंस्ट्रूमेंट मिल ही नहीं रहा, तीसरे में कहा जी लैब अटेंडेंट भी कह रहा कि हमारे पास पैकेज नहीं है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, फिर आपने क्या करना? अब आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप जाएं HOD साहब के पास, उनको एप्लीकेशन लिखें कि हमें एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए, या हमें कहीं से अरेंज करके दें, किसी और लैब में रेफ़र करें, या हमें अपनी लैब में अरेंज करके दें, ठीक है? अब आपने आना है अपने सुपरवाइज़र के, अपने HOD साहब के ऑफिस, वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा हुआ है, आपने वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, HOD साहब को दिया, फ़र्ज़ करते हैं कि आपके डिपार्टमेंट बहुत ही एडवांस है और आपको दूसरे दिन ये एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उन्होंने मंगवा के दे दिया, और वो उन्होंने ला के लैब नंबर 4 में रख दिया, ठीक है? और आपसे कहते हैं कि अब आप इसमें आयरन की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ये इंस्ट्रूमेंट आपके सामने पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ए बाइंड शो हो रहा है ना, ये पहली लाइन शो हो रही है, ये फ़र्ज़ करते हैं कि ये हमारे पास जो है ना वो एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ही है। अब इसके ऊपर आपने काम करना, काम कोई भी देखें इंस्ट्रूमेंट है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं मोस्टली, तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उन पे काम करने से पहले उसको ऑन करना पड़ता है, ऐसे ही ना, मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हैं तो यूज़ करने से पहले आपको ऑन करना पड़ता है, लैपटॉप आप यूज़ करते हैं ऑन करना पड़ता है, इवन कि आप अगर pH फाइंड करना चाह रहे हैं, pH मीटर को भी ऑन करना पड़ता है, मोस्टली जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है, आपने उस इंस्ट्रूमेंट को ऑन करना है, ऑन करने के बाद आपने उसकी उसमें आयरन कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, और अपने सुपरवाइज़र के पास चले जाना। बिल्कुल ये मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाई जिसके 3-4 स्टेप हैं जो आपने याद रखने हैं। नंबर वन, जब भी आपको कोई टास्क मिल गया, देखें ये टास्क ही मिला है ना आपको कि आपने ये एनालाइज करके लाना है आयरन, तो आपके जहन में फ़ौरन एक बिल्कुल क्वेश्चन आना चाहिए जैसे ही आपको टास्क मिले कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन, क्या ये इंस्ट्रूमेंट हमारी लैब में है, क्या ये इंस्ट्रूमेंट हमारी लैब में है, ठीक है? और अगर ये इंस्ट्रूमेंट हमारी लैब में नहीं है तो इसको हमने कहाँ से अरेंज करना है। 3 क्वेश्चन। अब मैं इसको लेके आने लगा हूँ आर की तरफ। अब फर्ज कर लेते हैं कि आपके सुपरवाइजर कहते हैं जी आपने ना, मैं यहाँ पे एक नई लाइन, आपने एक ग्राफ बनाना है, बार प्लॉट बनाना है, वो आपको फाइल देते हैं डाटे की, मैं ना एक फ़ाइल शेयर करने लगा हूँ ग्रुप में तमाम पार्टिसिपेंट को, काइंडली वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जब तक ये छोटी सी स्टोरी है ये भी कंप्लीट हो जाएगी और वो फ़ाइल भी आपकी डाउनलोड हो जाएगी। आपके सुपरवाइज़र आपको एक फ़ाइल देते हैं, वो कहते हैं कि ये जो फ़ाइल है ना, इसके ऊपर आप ग्राफ बना के लाएँ, अब आपके जहन में पहला क्वेश्चन आएगा कि ग्राफ बनाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। सेम वही देखे ना, जब आपको टास्क दिया कि आपने, ये एक मिनट जस्ट मैं ये शेयर कर लूँ, ये फाइकस के नाम से एक फ़ाइल मैंने शेयर की है आपको, ये काइंडली आप डाउनलोड करके ना इसको वर्किंग डायरेक्टरी में रख लें, बैच नंबर 34 का जो टेबल फोल्डर है ना, इसमें इसको कॉपी करके सेव कर लें। अच्छा, अब आपके सुपरवाइज़र ने आपको टास्क दिया जी, आपके पास फ़ाइल है, आपको उन्होंने फ़ाइल दी है और कहा है जी इस फाइल को आप, इसके ऊपर आपने ग्राफ बना के लाना है। ओके, ये फाइल है मेरे पास स्क्रीन नंबर 3 में, ये फाइकस के नाम से। अब आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि इसके ऊपर बार ग्राफ बनाना है। अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, पैकेजेस क्या हैं
इसकी थोड़ी सी आपको आसान अल्फाज में डेफिनेशन बता दूं। बायोलॉजी की लैब में, केमिस्ट्री की लैब में, किसी भी लैब में हम जाते हैं तो वहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट पड़े होते हैं ना, वो पैकेजेस हैं। फॉर एग्जांपल, एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक पैकेज है, थर्मामीटर एक पैकेज है, पीसीआर एक पैकेज है, माइक्रोस्कोप एक पैकेज है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं वहाँ पे वो सारे एक पैकेज हैं। यानी पैकेज, आर की ज़ुबान में हम उसको पैकेज कहते हैं, बायोलॉजी की लैब में हम उसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, आसान अल्फाज में। यानी जिससे हमने कोई काम कंप्लीट करना है, कोई टास्क कंप्लीट करना है, कोई एनालिसिस करना है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आपने आयरन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, आपके जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आ गया कि इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। मैं आपसे कहता हूँ आपने पीएच फाइंड करनी है, तो आपके जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आएगा पीएच फाइंड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। लैब्स में साइंस की ज़ुबान में हम उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट, आर की ज़ुबान में हम उसे कहते हैं पैकेजेस। आर में भी सेम इंस्ट्रूमेंट है। जब आपसे कहा जाए कि आपने ग्राफ बनाना है तो आपने ग्राफ वाले इंस्ट्रूमेंट के पास जाना है, जब आपसे कहा जाए कि आपने डेंडोग्राम बनाना है आपने डेंडोग्राम वाले इंस्ट्रूमेंट के पास जाना है, जब आपसे कहा जाए कि आपने जो है वो कार्ड डायग्राम बनानी है तो आपने कार्ड डायग्राम वाले इंस्ट्रूमेंट के पास जाना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आर की ज़ुबान में उनको पैकेजेस कहते हैं और साइंस की ज़ुबान में उनको हम इंस्ट्रूमेंट या टूल्स कहते हैं। अब आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि आपने ना बार ग्राफ बनाना है, ये फाइल है, आपने बार ग्राफ बनाना है, तो आपके जहन में पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए, ये भी मैंने आपसे पूछने हैं। जी सर, पहला क्वेश्चन आपके जहन में क्या आएगा? सर कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हाँ, लेकिन जब अब हम आर की बात कर रहे हैं ना, अब हम यहाँ पे होना, कहेंगे कौन सा पैकेज यूज़ होगा। कौन सा पैकिंग जब हम यूज होती साइंस लैब में हैं तो हमने कहना इंस्ट्रूमेंट। अब हम आर लैब में आ चुके हैं, आर की लैब में बैठे हुए हैं, है? जी ये आर की फोर लैब्स सर हमें शो हो रही हैं, फोर स्क्रीन शो हो रही हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पैकेज की, उसी इंस्ट्रूमेंट को हम पैकेज कह रहे हैं। यानी मैंने आपको कहा कि आपने बार प्लाट बनाना है, तो आपके जहन में क्वेश्चन आया कि इसके लिए कौन सा पैकेज इस्तेमाल होगा। मैं आपसे कहता हूँ अब आपने डेंडोग्राम बनाना, फ़ौरन आपके जहन में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि इसके लिए कौन सा पैकेज यूज़ होगा। कौन सा पैकेज इस्तेमाल। जी, तो अब फॉर एग्जांपल आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि बार ग्राफ बनाने के लिए ना एक पैकेज है जिसका नाम है ggplot2। यानी ये मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसने आपको उन्होंने पहले बताया ना कि आपने पूछा जी जिंक के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, उन्होंने कहा जी एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ होगा। अब आपने पूछा जी बार प्लाट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, उन्होंने कहा ggplot2 यूज़ होगा। अब आपने नोट किया होगा मैं इसके साथ हैशटैग लगा रहा हूँ, इसका मतलब मैं ये हेडिंग या कमेंट्स बना रहा हूँ या नोट्स बना रहा हूँ मैं। अब नेक्स्ट स्टेप है, आपने ये आके सर्च करना है फॉर चारों लैब्स में, देखें कहीं आपको ggplot2 के नाम से कोई मशीन नज़र आ रही है, कोई इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा है, कोई पैकेज नज़र आ रहा है। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली तमाम स्क्रीन्स के ऊपर देखें कहीं आपको ggplot2 के नाम से कोई बटन नज़र आ रहा है, अगर किसी को नज़र आ रहा है तो काइंडली यस टाइप करें। ये देखिए मेरे पास हिस्ट्री है, कनेक्शन है, ट्यूटोरियल है, फाइल है, प्लॉट है, हेल्प है, वीवर है, प्रेजेंटेशंस हैं। ये देखें यहाँ पे अगर आपको कहीं भी ggplot2 के नाम से, ये मेरी स्क्रीन के अलावा आपको कहीं नज़र आ रहा है तो आप यस टाइप करें, काइंडली जल्दी से सर्च करें, ढूंढें, देखें कहीं आपको ggplot2 नज़र आ रहा है। अरबाब साहब को नज़र आ गया है जी। ओके, अच्छा अब नज़ीर साहब आपको नज़र आया कि नहीं मुझे नजर जी? नहीं आया, अच्छा, नहीं नज़र आया। अब हमने क्या करना है, जब आपको वो पैकेज, वो इंस्ट्रूमेंट लैब में नहीं मिला तो आपने दोबारा अपने सुपरवाइज़र के पास आना है, और आपके सुपरवाइज़र ने क्या कहना है कि आप जाएं लैब अटेंडेंट के पास, उसकी नहीं लैब नजर उसकी लिस्ट में जाके चेक करें। तो लैब अटेंडेंट की लैब आया कहाँ पे है, पैकेजेस में। तमाम सर। पार्टिसिपेंट पैकेजेस पे क्लिक करें जी, और यहाँ पे सर्च बार है,
यहाँ पे सर्च बार पे आप टाइप करें जे जे प्लाट टू, ये देखिए मेरे पास तो शो हो गया। अब आप लोग देखें, बताएं मुझे यस और नो। प्लॉट जी जी प्लाट टू। टू, देखिए आपके पास शो हो रहा है यहाँ पे स्क्रीन नंबर 4 पे। आप में से बहुत से लोगों के पास यस होगा और बहुत से लोगों के पास नो होगा। नो सर, नो काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट ये स्टेप नो सर, परफॉर्म करें, तमाम पार्टिसिपेंट ये स्टेप परफॉर्म करें और चैट में टाइप कर दें यस और नो। स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ, ये हमारे लैब अटेंडेंट का या लैब जो है वो असिस्टेंट का रूम है, यहाँ पे ये उसका पीसी पड़ा हुआ है, इसमें हमने सर्च कर लेना कि ये पैकेज अवेलेबल है या नहीं। ओके इसका मतलब है कि ज़्यादातर लोगों के पास ये वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसपे हमने ये ग्राफ बनाना है। अब क्या करना है, अब आप वापस जाएंगे अपने सुपरवाइज़र के पास और उनको बताएंगे कि सर मेरे पास जो है ना वो जी जी प्लाट टू हमारी लैब में अवेलेबल नहीं है। वो आपको भेजेंगे एचओडी साहब के ऑफिस। फर्ज कर लेते हैं कि ये एक बटन है अपडेट का, अपडेट के साथ एक बटन है इंस्टॉल का, ये देखें अपडेट इंस्टॉल, इस पर क्लिक करें, ये आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। ये आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। इस एप्लीकेशन फॉर्म के 3 हिस्से हैं, इंस्टॉल फॉर्म, फिर पैकेज का नाम जो आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, फिर इंस्टॉल कहाँ पे करना है। इस चीज़ को आपने नहीं छेड़ना, इंस्टॉल आपने कहाँ पे करना है, ठीक है। ये ऊपर वाले 2 ऑप्शन के साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो इंस्टॉल ये वाला इंस्टॉल टू लाइब्रेरी, इसको आपने नहीं छेड़ना। उसके बाद इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, ये मैं आपको बाद में क्लियर करता हूँ कि ये क्या है। आपने यहाँ पे लिखना है जी जी प्लाट टू, तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली यहाँ पे लिखें जी जी प्लाट टू। और ये आप देखें आपके पास सुजेशन आ गई है, ये पहले को सिलेक्ट करें और इंस्टॉल का बटन है, ये इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास स्क्रीन नंबर 2 पे यहाँ पे कॉर्नर पे एक रेड डॉट अपीयर होगा, ये देखें। जब तक ये रेड डॉट शो हो रहा है, आपने आर को, आर में कोई भी कोड रन नहीं करना, जस्ट इसका वेट करना है कि ये रेड डॉट डिसअपियर हो और आपके पास एक फाइनल मैसेज आएगा, पैकेज जी जी प्लाट टू सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम चेक्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ तक आए तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें कि आपके पास ये पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। सर मेरे पास तो ऑलरेडी था। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें कि इंस्टॉल डन हो गया। जिनके पास रीस्टार्ट मांग रहा है उसका मतलब है उनके पास ऑलरेडी है। तमाम पार्टिसिपेंट डन कर लें और चेक करें दोबारा आके। अब दोबारा पैकेजेस पे क्लिक करें और यहाँ पे सर्च करें कि अब आपके पास ये शो हो रहा है इंस्टॉल करने के बाद। जी, सर। अच्छा, होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पैकेजेस क्या हैं। पैकेजेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं ये भी हमने सीख लिया है ना। यानी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि पैकेजेस क्या हैं, ये आपको क्लियर हो गया कि पैकेजेस क्या हैं। फिर पैकेज को इंस्टॉल कैसे करते हैं, 2 क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए। एक्टिवेट कैसे करते हैं, इसको अभी पेंडिंग रखते हैं। अभी हम आते हैं नए टास्क पे। फुरकान साहब, आपने जो है ना वो आई थिंक या तो वो जी स्पेलिंग गलत लिखे हैं, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। फुरकान हाँ साहब, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर, शेयर कर रहा हूँ। शो हो रहा है।
जी हो रहा है। अब दोबारा है वापस, बल्कि आपके पास इंस्टॉल हो चुका होगा ना, सर, ये वार्निंग इन इंस्टॉल पैकेजेस सर। उसको आप छोड़ दें, आपके पास ये जो है वो इंस्टॉल हो चुका होगा। आप दोबारा करें ओके सर। ये जी जी प्लाटू, देखिए आपके पास स्क्रीन नंबर 4 में शो हो रहा है। जी सर, तो ठीक है, हो रहा है। ओके। अच्छा, यहाँ तक दो स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए, अभी हमने ग्राफ नहीं बनाया। अब हम वापस आ जाते हैं एक और टास्क पे। अगेन फ़र्ज़ करते हैं कि नज़ीर साहब और उनके सुपरवाइज़र बैठे हुए हैं। अब जैसा कि वो पाकिस्तान में होता है कि फर्स्ट डे सुपरवाइज़र पूछते हैं, जी आपने क्या रिसर्च प्लान किया, आप किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहे हैं। तो नज़ीर साहब कहते हैं, जी मैंने ना एक पौधा है जिसका नाम है फाइकस, इस पे रिसर्च करनी है, क्योंकि मैंने एमफिल पे भी इस पे काम किया हुआ, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगेन इसी पौधे के ऊपर मैं काम करूँ। अब इनके सुपरवाइज़र कहते हैं, क्या आपने फाइकस का पौधा देखा हुआ है। नज़ीर साहब कहते हैं, जी बिल्कुल देखा हुआ है। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं, ऐसा करें कि फाइकस का पौधा मुझे भी दिखा दें कैसा होता है, और ये कहाँ पे हमारे एरिया में कहीं लगा हुआ है। नज़ीर साहब कहते हैं, जी बिल्कुल ये लगा हुआ है, और ये तकरीबन बीस किलोमीटर दूर है हमारे ऑफिस से। ऑफिस से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। तो इनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि ऐसा करें कि इसका सैंपल लेके आएँ, या फ्रूट लेके आएँ, या लीफ लेके आएँ, या कोई इसका ना सैंपल लेके आएँ। अब नज़ीर साहब के जहन में पहला क्वेश्चन आएगा कि सर मैं वहाँ तक जाऊँगा कैसे। देखें, इनको कोई मशीन यूज़ करनी पड़ेगी, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा। अब मशीन या इंस्ट्रूमेंट को हम गाड़ी कह देते हैं, ट्रांसपोर्ट कह देते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि इनको फाइकस का पौधा वहाँ से लेके आने के लिए 20 किलोमीटर दूर से कोई ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो नज़ीर साहब अगेन पूछेंगे अपने सुपरवाइज़र से कि सर मैं कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज़ करके जाऊँ। वो कहते हैं, जी यूनिवर्सिटी की एक ट्रांसपोर्ट है जिसका नाम है रीड एक्सेल। रीड एक्सेल यानी ये एक्सेल की फाइल को रीड करने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है, यानी ये वाला इंस्ट्रूमेंट या ये वाला पैकेज एक्सेल की फाइल को रीड करने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो इसको आप यूज़ करें, और ये फाइकस वाला पौधा जो है ना, ये आपके पास डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है, इसको उठा के आप ले आएँ आर में। अब सेम वही स्टेप आपने रिपीट करने हैं। पहला स्टेप आपने देखना है कि आपके पास, अब आपको पता है कि बजाय आपने ये चारों लैब्स घूमने के, आप डायरेक्ट चले जाएं अपने लैब अटेंडेंट के ऑफिस, यानी स्क्रीन नंबर 4 पे पैकेजेस पे क्लिक करें, और यहाँ पे सर्च कर लें रीड एक्सेल। ये देखिए मेरे पास शो हो रहा है रीड एक्सेल, मेरे पास ये शो हो रहा है, आपके पास ये चेक कर लें, आपके पास रीड एक्सेल शो हो रहा है, येस आर नो। कुछ लोगों के पास जो ऑलरेडी आर यूज़ करते हैं, उनके पास रीड एक्सेल शो हो रहा होगा, और जो न्यू यूज़र हैं उनके पास रीड एक्सेल शो नहीं हो रहा होगा। तो काइंडली येस आर नो टाइप करें, जिनके पास शो हो रहा है वो येस टाइप कर दें, और जिनके पास नहीं शो हो रहा वो नो टाइप करें। स्क्रीन नंबर 4 पे आएं और यहाँ पे सर्च करें रीड एक्सेल, येस नो। ओके, अब कुछ लोगों के पास येस है और कुछ लोगों के पास नो है। नो का मतलब ये है कि हमारे पास ये वाली मशीन नहीं है। फिर हमने क्या करना है, सर इसको इंस्टॉल करना है। जो पैकेज हमारे पास नहीं होगा हाँ उसको हमने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल पे आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं रीड एक्सेल। जैसे देखें, रीड एक्सेल लिखा, उसने सुजेशन दे दी, पहले वाला ऑप्शन रीड एक्स एल, ये गौर से लिखिएगा स्पेलिंग, रीड एक्स एल, और इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। मुझे ये कह रहा है जी रिस्टार्ट कर लें, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी है, मैं इसको नो करता हूँ। फिर भी ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया।
मुझे कह रहा जी वो आपके पास इन यूज़ है तो इसको आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा इसको इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल रीड एक्सेल, इस पर क्लिक किया और इंस्टॉल। ये मुझे कह रहा है रिस्टार्ट कर लें इसको, क्योंकि वो इन वर्किंग है इसलिए आप उसको दोबारा जो है वो रीइंस्टॉल नहीं कर सकते। मैं इसको यस करता हूँ, ये रिस्टार्ट होगा और इसको जो है वो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जैसे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, आपके पास यहाँ पे एक रेड डॉट अपीयर हो जाएगा, इसका आपने वेट करना। जैसे ये रेड डॉट डिसअपीयर हो, गायब हो, आपने नीचे फाइनल नोट देखना है। ये देखिए मेरे पास इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब ये देखिए मुझे इसने कहा जी पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम चेक्ड। इसका मतलब ये है कि ये पैकेज मेरे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। सर मेरा एक ओके, क्वेश्चन, जिनके पास व्हाट्सएप पे डाउनलोड नहीं हो रहा, काइंडली आप व्हाट्सएप ग्रुप में या मुझे पर्सनल अपने ईमेल सेंड कर दें तो मैं आपको, बल्कि मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, अगर यहाँ पे अटैच हो जाता है चैट में यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, अदरवाइज मुझे ईमेल सेंड कर दें, मैं आपको ईमेल कर देता हूँ। बल्कि ये शेयर कर दिया किसी सर ने, तो ये काइंडली यहाँ से आप डाउनलोड कर लें चैट में। सर अगर फाइल एक्सेल की बजाय CSV में हो तो उसके लिए कोई अलग से पैकेज होगा? CSV नहीं, उसके लिए वो बेसिक में वो हो जाएगी विदाउट पैकेज भी एक्सेल के साथ ही हो जाएगी? जी। सी नहीं, वो अलग से होता है, लेकिन वो ऑलरेडी इसमें होता है, वो भी आपको मैं क्लियर करता हूँ। बेसिक पैकेज ना, ठीक है, वो खुद से हो जाए उसमें, वो ऑलरेडी इसमें मौजूद होता है, उसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। ओके, अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास जो है ना, तमाम पार्टिसिपेंट के पास ये स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब देखें हमारे पास फॉर एग्जांपल ये गाड़ी आ गई है, अब नज़ीर साहब ने गाड़ी में बैठना है रीड एक्सेल की, और 20 किलोमीटर दूर जाना है, और वहाँ से इन्होंने ना पाइकस का प्लांट जो है या उसका सैंपल लेके आना है। अब देखें गाड़ी में बैठने के बाद, मैंने स्टार्ट में आपको कहा था कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिक्स जो भी हैं, उनको पहले स्टार्ट करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है, फिर आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह रीड एक्सेल का भी कुछ इसी तरह है, इसको आपको पहले ऑन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऑन करने का आपको तरीका बता रहा हूँ, किसी भी पैकेज को ऑन कैसे करना। ऑन करने के लिए एक वर्ड यूज़ होता है, लाइब्रेरी। आर की ज़ुबान में लाइब्रेरी का मतलब है एक्टिवेट करना। मैं यहाँ पे हेडिंग दे के ना, ये हैशटैग का मतलब है हेडिंग। मैं यहाँ पे आपको एक कमेंट्स बना देता हूँ, लाइब्रेरी इसका मतलब है मीनिंग टर्न ऑन, या हेडिंग सॉरी एक्टिवेट, यानी जब हम इसको लाइब्रेरी करेंगे तो हमारा पैकेज एक्टिवेट हो जाएगा। अभी मैं आपको रीड एक्सेल दिखाता हूँ। रीड एक्सेल ये देखें, रीड एक्सेल के साथ एक बॉक्स है। अब दो तरीके हैं इसको एक्टिवेट करने के, या तो आप इस बॉक्स में क्लिक कर लें तो आपके पास ये एक्टिवेट हो जाएगा। मैं इसको अनटिक कर दूंगा, ये दोबारा डिटैच हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे लाइब्रेरी लिखें, लाइब्रेरी, ये देखिए आपके पास ऑप्शन आ गया है, सजेशन आई है, यहाँ से लाइब्रेरी सेलेक्ट करें। इस लाइब्रेरी के अंदर ये जो, जैसे ही आप ये सेलेक्ट करेंगे ना, आपके पास एक ब्रैकेट ओपन होगी, बल्कि एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग, दो ब्रैकेट्स आएंगी। इसके दरमियान आपने लिखना है रीड एक्सेल, रीड एक्सेल, ये स्पेलिंग इसी तरह है, ये कैपिटल नहीं है, आपने लिखना और इसको रन करना है। ये देखिए जैसे मैंने इसको रन किया, रन किया, मेरे पास यहाँ पर टिक मार्क शो हो गई है रीड एक्सेल के साथ। इसका मतलब ये है, जब ये टिक मार्क शो हो जाए, इसका मतलब ये है कि हमारा पैकेज ऑन हो गया है। इसी तरह आप जी जी प्लॉट 2 को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, लाइब्रेरी। जब भी आपने किसी इंस्ट्रूमेंट पे काम करना है, किसी पैकेज पे काम करना है, तो उस इंस्ट्रूमेंट पे काम करने से पहले आपने उसको लाइब्रेरी करना है, लाइब्रेरी जी जी प्लॉट 2, और इसको रन करें। मेरे पास जी जी प्लॉट 2 भी लाइब्रेरी हो गया। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ जी जी प्लॉट 2, ये देखें इसके साथ भी टिक मार्क शो हो रही है। इसका मतलब है ये जिनके साथ टिक मार्क शो हो रही है ना, ये वाले इंस्ट्रूमेंट ऑन है और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ हैं।
यहाँ तक काइंडली कंफर्म कर लें तमाम पार्टिसिपेंट को, क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? क्योंकि अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं फाइल को इंपोर्ट करने के लिए। अगर एक से ज्यादा जो पैकेजेस हैं एक साथ ही एक्टिवेट करने हों तो वो कॉमा लगा के कर सकते हैं जी फिर जी से वो वो उसके लिए कमांड है, आप कर सकते हैं। ठीक है अभी, क्योंकि बता देंगे एक बार। जी, वो आप कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कमांड बता देंगे आप। कमांड यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये कॉमा डाल के आप कर लें, बल्कि इवन यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको, कंबाइन करना पड़ेगा इनको ना, यस ग्रुप सर ग्रुप ग्रुप की शक्ल में होगा वो। सही है ठीक है, अभी आप जस्ट ये सीखें, मैं आपको वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। इसमें आप ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करके ना, इस तरह एक कमांड में भी इसको बिल्कुल रन कर सकते हैं, ये देखें दोनों हो गए हैं। और वो अगर आप एक में करें तो उसमें आप इंस्टॉल भी एक में कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि एक तो आपका थोड़ा सा टाइम जो है ना वो ज़्यादा यूज़ हो जाता है उसमें। अगर एक एरर दे रहा हो ना, एक में इशू हो, मसलन आपने चार पैक रन किए हैं, सेंटर वाले में एरर है, तो वो आपको काफ़ी टाइम वहाँ पे आपका वेस्ट कर देगा, वो अड़ जाएगा वहाँ पे। तो बेहतर ये है ऑप्शन कि आप इसको इस तरह कर लें, वन बाई वन करके, ये फिर ये वन के बाद दूसरा रन हो जाएगा। ठीक है, वो भी मैं कोड आपको मैं सेंड कर देता हूँ ग्रुप में। अच्छा, अभी चूँकि हम जो है वो सिंपल पे हैं, तो अभी हम एक ही को रखते हैं ज़्यादा, ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। अच्छा, जहाँ तक होपफुली तमाम पार्टिसिपेंट के पास ये डन हो चुका है, अब हम फाइल को इंपोर्ट करने की तरफ आते हैं। मैं ये क्लियर कर रहा हूँ, आप आ जाएं स्क्रीन नंबर 3 में। स्क्रीन नंबर 3 पे आप आएँ, यहाँ पे एक बटन है इंपोर्ट डाटा सेट, ये ग्लोबल इन्वायरमेंट के ऊपर एक ऑप्शन है इंपोर्ट डाटा सेट, इस पर क्लिक करें। फ्रॉम एक्सेल, जैसे ही एक्सेल पर क्लिक करेंगे आपके पास एक इस तरह का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने ब्राउज और फाइल के लोकेशन पे आना है, जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है उसको आपने सेलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास एरर्स भी आएंगे, स्पेशली जो न्यू यूज़र हैं। ये देखें इंपोर्ट, मेरे पास फाइकस की फ़ाइल यहाँ पे शो हो गई है, स्क्रीन नंबर 1 में भी और स्क्रीन नंबर 3 में भी। काइंडली ये स्टेप कंप्लीट करें और चैट में डन टाइप करें। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। हाँ, ये RCPP, अच्छा, जिनके पास एरर आ रहा है ना, तो काइंडली उन्होंने स्क्रीन शेयर करनी है, मैं लो करता हूँ। अभी कोई और बटन प्रेस ना कीजिएगा, जस्ट अगर एरर आ रहा है या कोई ऑप्शन आ रहा है ना, तो आप स्क्रीन शेयर करें, फिर मैं आपको उसके मुताबिक गाइड करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये जो है ना वो इश्यूज़ आएंगे छोटे मोटे, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे इसके साथ। मैं अगेन ये स्टेप बता रहा हूँ, ये स्क्रीन नंबर 3 में ग्लोबल इन्वायरमेंट जहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक बटन है हिस्ट्री के नीचे इंपोर्ट डाटा सेट, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है फ्रॉम एक्सेल। ठीक है, और जो अभी CSV या और फाइल का पूछ रहे थे ना, वो बेस से कर लें या रीडर से कर लें, आपके पास CSV फाइल भी इंपोर्ट हो जाएगी फ्रॉम एक्सेल। ये देखें ब्राउज, जहाँ पे फाइल लोकेशन है वहाँ पे चले जाएं, फाइल आपने सेव की हुई है उस फाइल पे क्लिक करें और आपकी फाइल जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी। इंपोर्ट, अगेन फाइल जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है। कहें यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट डन कर लें, और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अलाउ कर रहा हूँ। ये अबू बकर साहब हैं, इनके पास RCPP रिक्वायर्ड का ऑप्शन आ रहा है। मैंने तो कहें इंस्टॉल कर लिया ऑलरेडी, वहाँ ऑप्शन आ रहा था मैंने इंस्टॉल कर लिया साथ इंस्टॉल में कर लिया है? ओके, डन हो चुके हैं, जो हो गया ये फाइल इंपोर्ट हो गई है। फाइल भी इंपोर्ट हो गई। ओके, ज़बरदस्त। मैंने स्क्रीन लॉक की हुई है, अगर किसी पार्टिसिपेंट के पास इशू आ रहा है तो काइंडली आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके, यानी तमाम पार्टिसिपेंट ने ये डन कर लिया है। नज़ीर साहब, आपके पास भी डन हो चुका है, फाइल इंपोर्ट हो चुकी है।
ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि जब आप पैकेजेस पे क्लिक करते हैं ना, तो आपके पास एक लिस्ट ओपन होती है। बल्कि एक अभी मैं इससे पहले एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। आपके पास अभी एक ऑप्शन आया था RCPP, ये आपको आपने इंस्टॉल करना है। सबके पास ऑप्शन नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों के पास आया होगा और उन्होंने यस किया होगा और RCPP इंस्टॉल हो गया होगा। ये क्या है? ये है डिपेंडेंसीज। अगर मैं इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये अगेन फॉर्म ओपन हुआ। अब ये साथ है इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज का मतलब होता है कि एक्सेसरीज या उसकी जो पैकेजेस के साथ ज़रूरी चीज़ें हैं। मसलन जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट बाय करते हैं, या सिंपल आप पीएच मीटर खरीद के लाते हैं दुकान से, शॉप से, पीएच मीटर के साथ एक गाइड होती है, बुक होगी छोटी सी, फिर उसके साथ जो है वो कोई केबल्स वगैरह होंगी, कोई एक्स्ट्रा उसके साथ जो है वो जो उसके लिए ज़रूरी है उसको रन करने के लिए, वो भी साथ, चार्जर, सेल, बैटरी, जो भी चीज़ है वो उसके साथ एक्सेसरीज में होंगी। या इवन मोबाइल फ़ोन देख लें, आप मोबाइल फ़ोन परचेज करके लाते हैं, जब डब्बा ओपन करते हैं उसमें हेडफोन, चार्जर, उसका ग्लास, फिर एक छोटी सी गाइड बुक होती है। तो ये सारी क्या है? डिपेंडेंसीज हैं। इसी तरह जब हम कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं, पैकेज भी तो इंस्ट्रूमेंट है ना। ये मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि आम रूटीन में हम उनको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जब हम आर की बात करते हैं तो आर में हम उन्हीं मशीन को, उसी मशीन को हम पैकेजेस कहते हैं। तो डिपेंडेंसीज क्या हैं? जो इस पैकेज के साथ ज़रूरी चीज़ें हैं जो उसको रन करने में हेल्प करती हैं, वो इसकी डिपेंडेंसीज हैं। तो बास का कुछ पैकेजेस इंटरनेट स्लो होने की वजह से या किसी भी वजह से इंस्टॉल नहीं होती, तो फिर वो अलग से डिमांड करता है कि आपके पास ये वाला डिपेंडेंसीज इंस्टॉल नहीं है, इसको आप इंस्टॉल कर लें। तो आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो आपका वो स्टेप कंप्लीट हो जाए। अच्छा, अब हम आते हैं टाइप ऑफ पैकेजेस पे। सर, मेरे यहाँ पे एक क्वेश्चन जी, है। डिपेंडेंसीज के लिए दोबारा पैकेज में जाके उसी सर्च बार में डिपेंडेंसीज लिखना होगा और उसके बाद ये नहीं, ऑटोमेटिकली ऑप्शन देगा। अगर तो आप देखें यहाँ पे इंस्टॉल है ना, यहाँ पे हमने एक पैकेज का नाम लिखा है। मसलन मैंने यहाँ पे लिखा है जीजी प्लाटू। अब इसकी डिपेंडेंसीज जो है ना, ये टिक है, तो ये ऑटोमेटिकली सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन बाज़ का तो ऐसा होता है कि हमारे पीसी की रिक्वायरमेंट या इंटरनेट स्लो है, कुछ पैकेज इंस्टॉल नहीं हो पाए, कुछ हो गए, तो आपका ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा लेकिन डिपेंडेंसीज रह जाएंगी। तो आपको यहाँ पे यही शो करेगा सक्सेसफुली अनपैक्ड, आपका पैकेज इंस्टॉल हो गया, लेकिन मे बी एक आध डिपेंडेंसीज यहाँ पे मिस हो जाए। लेकिन ये बहुत कम चांस होता है, यानी अगर आप 100 पैकेजेस इंस्टॉल करें तो उसमें से एक दो पैकेजेस के साथ ऐसा चांस होगा कि वो मिस हो गई है, जब आपने यहाँ पे टिक किया होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अनटिक करेंगे तो फिर 100% चांस है कि डिपेंडेंसी साथ इंस्टॉल नहीं होगी, वो आपको अलग अलग से इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो जब यहाँ पे आप टिक मार कर देंगे तो इसका मतलब है आपके पास डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगी। अब देखें, हमने कोड रन किया तो तकरीबन 22-25 लोग थे, उनमें से जस्ट एक पार्टिसिपेंट के पास ये इशू आया कि RCPP जो है वो इंस्टॉल नहीं हुई, उन्होंने फिर उसको मैन्युअली इंस्टॉल कर लिया। जी मैडम, हुआ क्वेश्चन क्लियर? यस सर, समझ आ गई है। ओके सर। अच्छा, हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ पैकेजेस की। पैकेजेस के टाइप्स क्या हैं? अच्छा, जब अभी तक देखें आपने अपने ना आर में दो पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं, यानी जो बिल्कुल ज़ीरो से हैं, एक हमने किया है रीड एक्सेल और दूसरा हमने इंस्टॉल किया है जीजी प्लॉट टू। लेकिन यहाँ पे देखें, मेरे पास तो बहुत लेंथी लिस्ट शो हो रही है और आपके पास भी एक लिस्ट शो हो रही होगी यहाँ पे जो ऑलरेडी आर में मौजूद है। ये देखें ना, बहुत सारे पैकेजेस यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। आप भी अगर यहाँ पे चेक करें तो बहुत सारे पैकेजेस यहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर यहाँ पे पैकेजेस मौजूद हैं तो हमें इंस्टॉल क्यों करना पड़ रहे हैं?
तो पैकेजेस की दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं बेसिक पैकेजेस और एक रिक्वायर्ड पैकेजेस। इसकी एग्जांपल मैं आपको मोबाइल फ़ोन की देता हूँ। फॉर एग्जांपल नज़ीर साहब ने ना एक नया मोबाइल फ़ोन लिया, वो उसको चार्जिंग लगाते हैं और फर्स्ट टाइम उसको ऑन करते हैं। जब वो मोबाइल फ़ोन को ऑन करेंगे ना, उसमें तकरीबन 70-80% एप्स ऑलरेडी मौजूद होंगी। मसलन इन्होंने मैसेज करना है तो मैसेज करने के लिए इनके पास ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद होगा, इन्होंने कॉल करनी है डायलर का ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद होगा, इन्होंने पिक बनानी है कैमरे का ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद होगा, इन्होंने जो है वो कैलेंडर देखना है कैलेंडर का ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद होगा, इन्होंने टाइम देखना है टाइमर का ऑप्शन ऑलरेडी मौजूद होगा। यानी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मोबाइल फ़ोन में मौजूद हैं। लेकिन जब आप मोबाइल फ़ोन से क्वालिटी वर्क की डिमांड करेंगे, मसलन मैं नज़ीर साहब से कहता हूँ कि नज़ीर साहब आप ऐसा करें कि अपने जो बैच नंबर 34 के आपके जो फेलोज़ हैं इनको मैसेज सेंड करें कि आज हमारी क्लास जो है वो 10 मिनट लेट होगी। अब नज़ीर साहब क्या करेंगे, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल 0 मीटर इनके पास मोबाइल है, इनके पास जो मैसेज सेंड करने के लिए ऑप्शन है ना वो सिर्फ मैसेज का बटन ही है। मैसेज पे ये वन बाय वन करके सबको मैसेज सेंड करेंगे, इनका टाइम भी ज़ाया होगा, काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होगा ना, और ये थक भी जाएंगे, बोर हो जाएंगे कि इतने लोगों को मैसेज कर रहा हूँ 20-25 को। अब यही काम मैं इनसे कहता हूँ कि आपने मैसेज करना है, ये व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप में वो मैसेज सेंड कर देते हैं एक, वो सबको डिलीवर हो जाता है। इसका मतलब है व्हाट्स सिंपल मैसेज से व्हाट्सएप की क्वालिटी बेहतर है। सिंपल मैसेज में आप सिंपल जो है वो मैसेज ही कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं, ऑडियो सेंड कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं वहाँ पे। तो जब हमने किसी पैकेज का जो है वो अच्छी तरह, या हम कह लें कि बेहतर वे में उसका फ़ायदा लेना है, तो हम एडवांस टूल की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए ना एक ऑप्शन है प्लॉट का, प्लॉट ये देखें, ये आर में ऑलरेडी मौजूद है, इसके लिए मुझे कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं करना पड़ा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ प्लॉट, ये देखें ये प्लॉट के नाम से प्लॉट 3D है, यानी ऑप्शन मौजूद है ए प्लॉट। ठीक है, ये SEM प्लॉट है, तो प्लॉट के नाम से हमारे पास मौजूद है, ये फंक्शन भी है, ये ग्राफिक्स का है। ठीक है, ये अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना प्लॉट, ये देखें ग्राफिक्स, ये ग्राफिक्स में आ जाता है प्लॉट का, तो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, मुझे इसके लिए कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं करना पड़ी। सेम इसी तरह जिस तरह आपको डायलर के लिए फ़ोन में ना, डायलर के लिए आपको कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करना पड़ती, आपको टाइम देखने के लिए टाइमर कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करना पड़ती, वो बेसिक हैं, वो ऑलरेडी मोबाइल फ़ोन की विंडो में इंस्टॉल्ड होते हैं, उसके सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल्ड होते हैं। सेम इसी तरह जब आपने आर को इंस्टॉल किया तो बहुत सारे पैकेजेस आपके आर के साथ इंस्टॉल्ड हैं, इन्हें हम कहते हैं बेसिक पैकेज, ये हमें इंस्टॉल नहीं करने पड़ते और ना ही ये हमें लाइब्रेरी करना पड़ता है, ये ऑलरेडी आर में मौजूद होते हैं। लेकिन जब हम कोई ऐसा पैकेज जो इसमें मौजूद ना हो, मसलन जिस तरह मोबाइल में अगर आप फेसबुक यूज़ करना चाह रहे हैं या मैसेंजर यूज़ करना चाह रहे हैं, तो मोबाइल में फेसबुक नहीं है तो वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगी। ये बेसिक जो है ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करता है, जिस तरह मोबाइल फ़ोन हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, लेकिन अगर हम उसमें से थोड़ा सा एडवांस होना चाह रहे हैं, हम सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, हमें यूट्यूब भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, हमें जो है व्हाट्सएप भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, हमें इंस्टाग्राम भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैसेंजर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। सेम इसी तरह जब हम हाई एडवांस टूल्स को यूज़ करेंगे तो वो हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो इसी तरह ये मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा पैकेजेस टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको एडवांस से एडवांस प्लॉट्स, एडवांस एडवांस एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। तो उनमें से कुछ बेसिक्स हैं जिसकी लिस्ट आपके सामने आपके आर में शो हो रही है, तो ये बेसिक हैं।
और जो रिक्वायर्ड हैं वो हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। होप कि आपको इंस्टॉल पैकेजेस और रिक्वायर्ड पैकेजेस में फ़र्क क्लियर होगा। अब चार क्वेश्चन थे हमारे, चारों हमने सॉल्व कर लिए हैं। आर पैकेजेस क्या हैं, उसके बाद था इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, एक्टिवेट कैसे करते हैं, और एक्सेल की फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो कल का हमारा जो टास्क होगा वो होगा ग्राफ बनाना। यानी हम आज हमने एक्सेल की फाइल इंपोर्ट कर ली है, कल हम इस फाइल के ऊपर ग्राफ बनाना सीखेंगे। ओके, तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चंस है आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं। अगर ओके क्लियर है तो तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली क्लियर टाइप कर दें ताकि चीज है फिर मैं। कि जैसे एक्सेल की फाइल है उसकी कोई लेंथ लिमिट होती है या जितनी बड़ी भी फाइल हो, क्योंकि मैं आर पे आप जितनी मर्जी लेंथी फाइल है आप टू इंपोर्ट हंड्रेड कर थ्री सकते हैं, हंड्रेड क्वेश्चन आप 1000 पे भी ले आए तो वो एक्सेप्टेबल है। यही तो फायदा है आर का, फ्री सर। का। जी सर, सर ये जो एक्सेल शीट आपने बनाई है सर, ये मतलब इसकी कोई खास फॉर्मेटिंग होती है जिससे वो फिर डेटा सिंक्रोनाइज हो गया, ग्राफ की शक्ल में आएगा, या बस वैसे हम बना सकते हैं एक्सेल ये जो फॉर्मेट जो आप है? इसी फॉर्मेट में आपने बनाना है, ये मैं आपको दिखाता हूँ फाइल। मसलन ये फाइकस की फाइल पड़ी हुई है, ये और देखें सर सर। ये जो मतलब आपने फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस दिया हुआ है ना, ये हम चेंज कर सकते हैं? क्या चीज, मतलब ये जो आपने सैंपल स्पीशीज वगैरह दिए हैं हाँ कोई भी रख ले यहाँ इसके। पे, कोई कोई नहीं, ये तो सैंपल है ना, जस्ट और एक फॉर्मेलिटी है जस्ट। इस तरह के हमारे पास, आपने आपके पास कोई भी फाइल हो ना, आपने डाटा इस तरह अरेंज करना है, डेटा अरेंजमेंट ये होने चाहिए इस ये तरह होनी की। चाहिए, ठीक है। यानी ये स्पीशीज वाला कॉलम फर्स्ट नंबर पे भी आ सकता है या लास्ट पे भी आ सकता है। आप इसको फर्स्ट पे रख लें, लास्ट पे रख लें, ये अपनी मर्जी है आपकी। ये रो जो हाँ है ये टाइटल कंसिडर होंगे ना, फर्स्ट रो जो है। हाँ ये वाली, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये 10 रो हैं इसके अंदर। और एक और चीज़ है, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ पे ना इन्होंने हेडिंग दी होती है, ठीक है, ये दो तीन कॉलम को मर्ज करके हाँ। वो गलत करते हैं, ठीक है। जब आपने डाटा एनालिसिस फाइल का करना, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर में जा रहा है ना, सॉफ्टवेयर उसको जी भी सर। ऑब्जर्वेशन और वेरिएबल समझ रहा होता है, अच्छा सर, और वो उसको मिसिंग वैल्यू में ले जाता है, ओके सर, ठीक है, तो वो हमें एरर दे सही देता है। सर। तो बिल्कुल इस तरह कोई इसके ऊपर एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके डाटा के अलावा। मैं आपको फाइल एक शो करता हूँ, अगर यहाँ पे मेरे पास एक सैम्पल पड़ा हुआ है, ये डाटा सिर्फ न्यूमेरिकल होना चाहिए या दूसरा भी हो कोई सकता भी है? डाटा न्यूमेरिक, देखिए डाटा जो है न्यूमेरिकल भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, यस और नो में भी हो सकता है। सही सर। मैं को फाइल अभी एक दिखाता हूँ आपको, अगर यहाँ पे ये सर, इसमें सिर्फ एक्सेल डेटा ही प्रोसेस होंगे या टेक्स्ट भी लिख सकते हैं जैसे पेपर में लिखते हैं? अच्छा, अब ये देखिए ना, ये फाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ, उन्होंने मुझे फाइल सेंड की है, इन्होंने ये ऊपर तीन कॉलम मर्ज किए हैं, जी सर। ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है फाइल, ये इन्होंने डाटा की अरेंजमेंट इन्होंने गलत की हुई है, ठीक है। मैंने ये इसकी करेक्शन ओके की है, ये इस तरह होगा डाटा अरेंज, ठीक है। ये देखें ट्रीटमेंट एक साइड पे, ये इस तरह इन्होंने किया हुआ है, इस तरह ये तीन तीन कॉलम्स के, हमेशा जो है वो रेप्लिकेट जो होते हैं ना, वो ऊपर से नीचे की तरफ लिखने हैं, ये इन्होंने यहाँ पे इस तरफ लिखे हुए, ठीक है। रेप्लिकेट हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लिखे जाते हैं डेटा सर एनालिसिस कहीं में। भी रेप्लिकेट जो है वो ऊपर से नीचे, टॉप टू ये बॉटम। बिल्कुल जिस तरह ये देखे ना आपके फाइकस वाली फाइल में है, ये S1 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 ये रेप्लिकेट है ना, ये इस तरह लिखने हैं, ठीक है। S2 S2 S3 S3 ये और आपकी कोई पूरी आपकी इस मर्ज? पे क्लास होगी पूरी, जिस पे ना हम ये डाटा अरेंजमेंट सीखेंगे। ओके सर, ओके सर, ओके ओके, सर, अभी ओके आप बेसिक सर, चीज़ें ठीक इसमें सीख लें तो उसमें हम ये चीज़ें इंशाल्लाह सीखेंगे। है सर, थैंक यू। ओके अच्छा, जहाँ पे क्वेश्चन आया कि हम इसको सेव कैसे करें इस डाटे को ना, अब आपके पास एक तो ये चीज़ें वर्किंग डायरेक्टरी में हैं, ये आपके पास फाइल आ चुकी हुई है, ये फाइल आपको दोबारा इंपोर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्क्रिप्ट, इसको सेव करना। तो इसको सेव करने के लिए आपने, आपके पास ये बटन है सेव का, इस पर क्लिक करें, ये आपसे लोकेशन पूछेगा, आप इसको वर्किंग डायरेक्टरी की लोकेशन दे दें। आपकी वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ पे है? मेरे पास ये 34 बैच डेस्कटॉप पे है, ये मैं इसको लोकेशन देता हूँ, यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं 34, और इसको सेव कर लेते हैं।
अब ये देखिए मेरे पास ये फाइल का नाम चेंज हो गया है, पहले अनटाइटल था अब 34 हो गया, अब ये फाइल सेव हो चुकी है। अरबाब साहब आपके क्वेश्चन है, क्या पूछना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ डेटा फाइल जैसा फाइकस किया, ये भी बेसिकली आर के अंदर ना जी जी आर के इंस्टॉल अंदर किया गया है मौजूद पहले है बिल्कुल। ही, तो इसको आपने किस तरह डाउनलोड किया है? इसको डाउनलोड कैसे किए? जी, जो भी डेटा है आर का ये अपना बेसिक, ना उसको किस तरह आप हाँ, डाउनलोड? ये एक ऑप्शन है राइट एक्सेल का, ये रीड एक्सेल है ठीक है, यानी आप उसको राइट करेंगे एक्सेल में फिर उसको डाउनलोड करेंगे। आप डेमो दे सकते हैं प्लीज? मैं आपको कोड सेंड कर देता हूँ, और इसका जो है ना वो जी श्योर श्योर, थैंक यू। जो राइट एक्सेल के लिए एक पैकेज इंस्टॉल होगा ठीक है, क्योंकि उस पर टाइम लग जाना थोड़ा सा, वो पैकेज इंस्टॉल करना श्योर, है, फिर उसको करना है अपने लाइब्रेरी चलिए वो ग्रुप में आप। करना है ठीक है, वो ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ। और जो आपकी फ़ाइल का नाम है ना, दो ऑप्शन है, थैंक आपने यू। उसको सेव कहाँ पे करना है, तो आपने वहाँ पे इसको दे देना वर्किंग डायरेक्टरी, बल्कि मैं वर्किंग डायरेक्टरी के हवाले से आपको वो राइट करके भेजता हूँ। ओके ओके, श्योर, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।